आज के टाइम में पेमेंट के लिए बहुत से रास्ते अपनाए जा रहे हैं, उनमें से चेक भी एक तरह का सोर्स है जो डेली बेसिस के ऊपर बैंक में भी जिसकी बहुत ज़्यादा डीलिंग हो रही है। कुछ लोग अपनी मार्केटिंग के लिए, लोन को रीपेमेंट के लिए, सैलरी देने के लिए, बिल्स, फीस, किसी तरह के लिए भी चेक का यूज़ करते हैं। और कुछ लोग चेक को इसलिए भी यूज़ करते हैं जो पेमेंट की सिक्योरिटी को रख सके एज अ प्रूफ के तौर पर। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो लेन देन की इसी मार्केटिंग को, इसी चीज को टालमटोल करने के लिए भी चेक की यूज करते हैं, जिसके कारण बाद में उनका चेक बाउंस हो जाता है। और बाउंस होने के कारण वो लोग परेशानी को फेस करते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि हमने आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है। अगर हमारे पास कोई चेक आता है तो हमारा अगर चेक बाउंस हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके आगे कौन से स्टेप्स को फॉलो करना। Hey guys, this is Annie and you are watching Study for You. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बट फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट, सो दैट आपकी क्वेरीज के रिलेटेड जो भी मैं वीडियोज डालूं आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम लेते हैं फ्रेंड्स, अगर हमारा चेक बाउंस हो जाता है तो हम लोगों का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, जब भी हम लोग बैंक में कोई भी चेक लगाते हैं तो बैंक इन रिटर्न हमें चेक रिटर्न मेमो देता है, जिसका मतलब ये होता है कि बैंक हमें इंडिकेट कर रहा है कि मैं आपको उस पैसे का, उस पेमेंट का भुगतान नहीं कर सकता जो चेक में लिखी हुई है। वैसे तो जब हम मेमो रिसीव करते हैं हम लोगों का उसी टाइम पे राइट बन जाता है कोई ना कोई एक्शन लेने का उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने वो चेक दिया होता है, जिसका चेक बाउंस हो जाता है। बट समटाइम्स हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को वेट करनी चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक रास्ता होता है कि जब हमने पहला चेक लगाया था, जब हमें चेक रिटर्न मेमो मिल गया था, उसके 30 डेज के बाद अगेन हम वही चेक उसी बैंक में लगा सकते हैं। बट अगर उस टाइम भी, सेकेंड टाइम भी वो चेक बाउंस हो जाता है तो एक तरह का लीगल राइट बन जाता है, फिर से वही स्टेप लेना होता है जो पहले ले सकते थे हम, कि उस पर्सन के अगेंस्ट कोई ना कोई स्टेप अब हम ले सकते हैं, हमारा एक तरह का राइट बन जाता है। बट आपको ये ध्यान रहे कि ज्यादातर चेक्स की जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स की होती है, तो इसीलिए अगर आपने पहला चेक लगाया तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरा चेक भी वही 3 महीने के अंदर अंदर लगना चाहिए। ये नहीं कि चेक की जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो गई और आपने तब जाकर चेक लगाया और वो तब जाके बाउंस हो गया। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आपको कोई भी चेक एज अ गिफ्ट किसी ने दिया है कोई भी लोन को की पेमेंट के लिए, तो आप अगर उसका वो चेक बाउंस हो जाता है बाद में तो आप उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज वो चेक किसी तरह का एक्सचेंज नहीं होता, किसी तरह की आपकी डीलिंग नहीं होती, किसी तरह की आपकी डिमांड नहीं होती जो आपके मार्केटिंग में, आपके बिजनेस में काम कर रही है। वो एज अ गिफ्ट किसी ने अपनी खुशी से आपको दिया है, तो अगर उसका कोई बाद में चेक बाउंस हो जाता है तो आप उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण और रीजन हो सकते हैं जिनके कारण चेक बाउंस और डिसऑनर हो जाता है। वैसे तो ऐसे फ्रेंड्स बहुत से कारण होते भी हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो कॉमनली यूज होते हैं बैंक में, जैसे कि सिग्नेचर का ना मिलना, जो चेक में सिग्नेचर है और जो अकाउंट के लिए था सिग्नेचर, या फिर चेक के ऊपर ओवरराइटिंग होना, किसी अकाउंट का पहले ही क्लोज हो जाना आपने जब चेक बैंक में लगाया, या फिर कोई इनसफिशियंट फंड्स हो जाना जो कि बहुत ही कॉमन है, जैसे कि चेक में कोई पेमेंट, कोई रकम लिखी हुई है पर बैंक में उस अकाउंट में उतनी सफिशियंट फंड नहीं है, पेमेंट नहीं है। या फिर एक ये भी हो सकता है कि आपके पास जो चेक था उसकी वैलिडिटी अगर 3 मंथ्स की थी तो आपने उसकी वैलिडिटी के एक्सपायर होने के बाद वो चेक लगाया तो आपको उसके लिए भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे बहुत से रीजन हैं जिनके कारण चेक बाउंस हो जाता है। हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए, बैंक में जब रिटर्न मेमो मिलता है तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए अपनी अवेयरनेस के लिए, इन फ्यूचर कोई एक्शन लेने के लिए, कि रीजन क्या था चेक बाउंस होने का। अब बात आती है फ्रेंड, जब बैंक ने हमें चेक रिटर्न मेमो दे दिया उसके बाद हमने क्या करना है। उसके बाद आप लोगों के पास 30 डेज का टाइम होता है,
उस 30 डेज के अंदर अंदर आप लोगों ने उस पर्सन को जिसने आपको चेक दिया, जिसका चेक बाउंस हुआ, उसको एक तरह का लीगल नोटिस इशू करना है जो कि 15 डेज का टाइम पीरियड उस पर्सन को देता है। मतलब कि आप लोग उस पर्सन को इंडिकेट कर रहे हो, इंटीमेशन दे रहे हो कि आपके पास 15 दिन का टाइम है, उस 15 दिन में आपका जो भी कारण से चेक बाउंस हुआ वो आप चेक की जो भी पेमेंट है वो आप उसका भुगतान कर दो। ये उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसी पेमेंट को या तो कैश भी आपको उस 15 दिन में दे सकता है, या तो न्यू चेक भी इश्यू कर सकता है, या तो आपको किसी तरह की इंटीमेशन कर सकता है उस 15 दिन के अंदर अंदर। और ये भी हो सकता है कि जब आपके पास 30 डेज का टाइम पीरियड था उस लीगल नोटिस को इश्यू करने के लिए और आपके पास लास्ट डे रह गया है 30th डे, तभी भी आप वो लीगल नोटिस इश्यू कर सकते हैं। इसका एज इट इज कोई फॉर्मेट नहीं होता, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं या फिर किसी लॉयर से भी बनवा सकते हैं। इसमें आपने हर एक तरह की स्टेटमेंट देनी होती है, चेक की वैलिडिटी क्या थी, आपने कब चेक लगाया, चेक बाउंस क्यों हो गया, बैंक ने आपको क्या कहकर चेक को वापस रिटर्न कर दिया। अब बात आती है कंप्लेंट फाइल कैसे करनी है, कि इसको फाइल कैसे करना है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो 15 दिन का पीरियड था नोटिस को सेंड करने का, वो जरूरी था बिकॉज वो लॉ का एक प्रोसीजर है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें उसको फॉलो करना ही है। और जो आप नोटिस सेंड करते हो वो ऐसे माध्यम से कीजिए कि आपके पास कोई ना कोई रिसिप्ट एज ए प्रूफ के तौर पर रहे। अब उस बंदे ने 15 दिन के अंदर भी आपको किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं किया, तो आपने अब केस फाइल करना है, तो उसके लिए आपके पास टाइम है। जब आपने लीगल नोटिस सेंड किया उस दिन से लेके नेक्स्ट 30 डेज, ये आपके पास एक टाइम पीरियड है लिमिटेशन का जिसमें आप चेक बाउंस का केस फाइल कर सकते हैं। अब आपने डिसाइड किया कि केस फाइल करना है, बट कौन सी कोर्ट में कर सकते हैं। पहले क्या था फ्रेंड्स, पहले आप कहीं पे भी कर सकते थे, जैसे कि जिस बंदे ने चेक इशू किया वहां पे जहाँ पे वो रहता है, जिस जगह पे जिस बैंक में चेक प्रेजेंट किया गया वहां पे, जिस जगह में जिस बंदे के पास चेक आया वहां पे भी। बट आज के सिनारियों में क्या था कि 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था जिसके अकॉर्डिंग उसने ये बोल दिया था कि चेक का केस वहीं पे ही प्रेजेंट होगा, वहीं पे ही एंटरटेनमेंट किया जाएगा जहां पे बंदे का अकाउंट है, जहां पे आप चेक लगा रहे हैं और जहां पे आपका चेक बाउंस हो गया है, उसी एरिया उसी सिटी में आप केस फाइल कर सकते हैं। सो दैट आपको जिस बंदे ने चेक दिया उसको इनकन्वीनियंस क्रिएट भी हो, ताकि वो दूसरी जगह पे आके आपके केस के साथ पैरवी कर सके। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप चेक का केस लगा रहे हैं किसी कोर्ट में, तो वो किस लॉ के अंडर आता है। ये एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर आता है, जो टाइम टू टाइम अमेंड भी हुआ है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, एट द वेरी इनिशियल स्टेज जब आपका केस फाइल होता है तो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो क्रॉस चेक्ड होते हैं, तो आपके पास जरूरी है सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनलिटी में हो, ओरिजिनल हो उस टाइम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिनल चेक हो गया जो कि बाउंस्ड हुआ है, ओरिजिनल मेमो, अ कॉपी ऑफ द नोटिस, रिसिप्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, हर एक चीज आपके पास ओरिजिनलिटी में होनी चाहिए जिसकी कि क्रॉस चेकिंग होगी। और केस फाइल के टाइम आपका ये भी देखा जाएगा लिमिटेशन पीरियड, कि आपने ज्यादा टाइम तो नहीं लगाया केस फाइल करने में। आपका एक फॉर्म प्रोसेस जो होता है वो भी फाइल किया जाएगा आपके द्वारा, आपके वकील के द्वारा, जिसमें अक्यूज्ड का पूरा एड्रेस होगा, उसकी पूरी जानकारी होगी। केस फाइल होने के बाद कोर्ट उस अक्यूज्ड पर्सन को समन इशू करेगा जिसमें ये होगा कि उसने इस डेट के ऊपर अपेयर होना है। इन केस वो पर्सन नहीं आता हियरिंग के ऊपर, तो कोर्ट उसको बेलेबल वारंट इशू करेगा। बट स्टिल अगर वो अभी भी नहीं आता तो कोर्ट उसके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकता है। आपको ये भी पता होना चाहिए जिस केस की प्रोसीडिंग आप कर रहे हो वो किस दिशा में जा रहा है। चेक बाउंसिंग के केस में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो डिफॉल्टर पार्टी होती है उसको जेल भी हो सकती है 2 साल तक की,
और उसको जुर्माना जो कि आपको एज अ कंपनसेशन मिलेगा उसको वो लग सकता है चेक में जितनी भी रकम थी उससे डबल की रकम उसको आपको देनी पड़ेगी। और इन केस अगर कोई कंपनी है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका केस किसी कंपनी के साथ चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके डायरेक्टर को भी लायबल ठहरा सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी को कौन इंचार्ज है, कंपनी का उसकी मैनेजमेंट में कौन है, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 141 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन जो कंपनी का इंचार्ज था या फिर उसके बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसका चेक इश्यू में कंसेंट है, पेमेंट में कंसेंट है, वो पर्सन लायबल होगा अलोंग विद द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल कोई मैनेजर हो गया, कोई सेक्रेटरी हो गया, कोई भी ऐसा ऑफिसर जो चेक इशू मैटर में किसी तरह का कंसर्न रखता है, किसी तरह का वो निग्लेक्ट कर देता है बाद में, तो उसको आप लोग लायबल ठहरा सकते हो।